नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ राति। यह पर्व साल में चार बार आता है, चैत्र आषाढ़ अश्विन पौष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। शक्ति की उपासना का पर्व प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्तियों की नवधार भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के नौ दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। अवंतिका नगरी मोक्षदायिनी नगरी में स्थित चामुंडा माता मंदिर में महाअष्टमी पर्व पर हवन पूजन, दुर्गा शक्ति का पाठ, जप तक व अनुष्ठान तथा कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने माता के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की है। ग्लोबल इंडिया टीवी से हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। बताएं पंडित जी, माँ चामुंडा का क्या महत्व है? उज्जैनी जो है अवंतिका नगरी है, प्राचीन नाम इसका अवंतिका, तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी वाराणसी संकष्टैव मोक्षदायिका, ये मोक्षदायिनी नगरी है, ये तीर्थ है और यहाँ पे देवियाँ विराजती हैं। उसमें चामुंडा माता मंदिर बहुत प्राचीन है, ये स्वयंभू मूर्ति है, ये चामुंडा माता चौराहा कहलाता है, शहर के मध्य स्थित है और चामुंडा देवी में ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा से बीज मंत्र है। तो ये महा सरस्वती ह्रीम महालक्ष्मी क्लीम महाकाली, तो संसार में समस्त देवियों का प्रादुर्भाव इन तीनों देवियों से हुआ है। तो यहाँ पे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कूष्मांडम, पंचमम स्कंद माते थी, षष्टम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा पत्नी, ये नौ देवी। तो आज अष्टमी है, अष्टमी महाअष्टमी, तो चामुंडा माता मंदिर पे हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, प्रसाद का वितरण, कन्या भोजन, जप तप अनुष्ठान 12 महीने चलता है नवरात्रि में विशेष तौर से। और भगवती चामुंडा की जो सेवा समर्पण के साथ भक्ति करता है, सेवा करता है, माँ उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करती। क्या नाम है आपका?